सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संकेत, आप देख रहे हो मोइजीन और आज हम बात करने वाले हैं फिनेस एंड फर्ब द मूवी कैंडस अगेंस्ट द यूनिवर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये 28 अगस्त को रिलीज होने वाली है डिज्नी प्लस पे। ये हिंदी में रिलीज नहीं होगी, अभी तक इसके कोई भी डिटेल्स हमारे सामने नहीं आए हैं, तो यही समझ के चलते हैं कि ये इंग्लिश में ही आएगी। जिस तरह से हमारे बचपन गुजरा है इस कार्टून के जरिए, जो कि 2007 से 2015 के बीच आया था डिज्नी चैनल पे, इसके 3 मूवीज भी आए हैं जो कि इस तरह से है। जिसका फर्स्ट पार्ट था फिनियस एंड फर्ब क्रिसमस वैकेशन, जो कि 2009 में आया था। उसके बाद आया था सेकंड पार्ट, जो कि आया था फिनियस एंड फर्ब द मूवी अक्रॉस द सेकंड डायमेंशन, जो कि 2011 में आया था। और 2013 में आई थी एक मूवी जिसका नाम था फिनियस एंड फर्ब मिशन मार्वल। जी हाँ दोस्तों, इसमें मार्वल को कैरेक्टर्स ऐड करके दिखाया गया था फिल्म के अंदर, जो कि बहुत अच्छा था। तो ये तीनों मूवी के बाद अभी ये 4th मूवी आ रही है फिनियस एंड फर्ब द मूवी कैंडस अगेंस्ट द यूनिवर्स। तो आज हम करेंगे इसका ट्रेलर रिव्यू और साथ ही साथ इसका ट्रेलर ब्रेकडाउन। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये सीरीज़ कब आई थी। ये सीरीज़ आई थी 2007 से 2015 के बीच। हर एक ईयर में एक नया नया एपिसोड हमारे सामने, नए नए सीजन्स आते गए, जिस तरह से इसमें हमें 4 सीजन्स देखने को मिलते हैं, जिसमें लगभग 222 एपिसोड्स हैं। जी हाँ दोस्तों, और इस जो ये 222वां एपिसोड है, इसके पहले ही ये मूवी बिलोंग करती है, जिस तरह से हमारे सामने सारी की सारी न्यूज़ आई है। तो चलिए आज करते हैं फिनियस एंड फर्ब काइंडनेस अगेंस्ट द यूनिवर्स का पूरा पूरा ट्रेलर ब्रेकडाउन। तो लेट्स बिगिन। तो जिस तरह से आपको पता है कि फिनियस एंड फर्ब और उनका एक प्लैटिपस पेरी, जो कि उनका एक पेट है, जिस तरह से पेरी द प्लैटिपस, जो एक एजेंट पी नाम से काम करता है, बहुत सारी खुफिया एजेंसी में काम करता है और सारी चीज़ें वो करता है, जिस तरह से आपको पता ही है, उसी हिसाब से कैंडस का भी आपको पास तो पता ही होगा कि वो हमेशा अपने भाइयों के बीच में जो भी कुछ चीज़ें वो लोग करते हैं वो दोनों, उसको पकड़वाने का काम हमारी कैंडस करती है, जो हमेशा नाकामयाब होते हुए हमें दिखती है। हमेशा वो माँ को कुछ ना कुछ करके वहाँ पे लेके आती है, बट जब तक वो आ जाती है तब तक वो सारी चीज़ें गायब होने लगती है। जिस तरह से इस ट्रेलर का भी वही फर्स्ट सीन है हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे कैंडस ने उसकी माँ को लेके आया है अपने भाइयों की करामतें दिखाने के लिए, बट वो एक्चुअल में गायब हो जाता है, और उसकी माँ जब तक देखने लगती है तब तक वो सारी चीज़ें गायब हो चुकी है। फिर हम देखते हैं कि कैंडस और वैनेसा को एक एलियन शिप अडॉप्ट करके लेके जाती है, इसका मतलब उनको किडनैप करके लेके जाती है अंतरिक्ष में, जहाँ पे लेके जाने के बाद हमें पता चलता है कि कैंडस हो गई है इस यूनिवर्स के पूरे पूरे अगेंस्ट में, जिस तरह से उसको वहाँ पे कैद करके रखा है। और फिर ये जो फिनियस और फर्ब और इन लोगों के जो दोस्त हैं, ये लोग जाते हैं डूफिसबर्ग के पास। क्यों इसके पास जाते हैं? तो वैनेसा उसकी डॉटर होती है, तो वो भी उसमें मदद करेगा इस वजह से। जहाँ पे जाने के बाद हमें देखने को मिलता है एक स्पेसशिप बनाई है डूफिसबर्ग ने, जो कि अंतरिक्ष में लेके जाएगी इस प्लैनेट के ऊपर, जिस प्लैनेट का नाम है यूटोपिया। यहाँ पे यूटोपिया के एलियंस ने उसे लेके गए हैं, तो वहाँ पे जाके इन लोगों को कैंडस को बचाना है, और कैंडस खड़ी हो चुकी है इस यूनिवर्स को बचाने के लिए, इस यूनिवर्स के अगेंस्ट, यानी इस यूनिवर्स के खिलाफ। तो दोस्तों, यही है पूरी की पूरी कहानी जो हमें इस फिल्म में देखने को मिलेगी, और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एडवेंचर फिल्म रहने वाली है, जिस तरह से हमने ट्रेलर में भी देखा है, और मूवी भी बहुत शानदार निकलेगी। आपका क्या कहना है इस मूवी के बारे में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। हाँ, मैं शायद से इसका रिव्यू ला सकता हूँ या फिर पूरा पूरा मूवी एक्सप्लेनेशन, वो हम देखेंगे जब ये मूवी 28 अगस्त को रिलीज़ होगी इंडिया में, तब हम जानेंगे डिज्नी प्लस पे आ रही है। आपके क्या थॉट्स है इस ट्रेलर को लेके, इस मूवी के बारे में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपकी क्या पुरानी यादें हैं इस फिल्म से, इस टीवी सीरीज़ से जुड़ी हुई, वो भी नीचे कमेंट कर सकते हो। मेरी भी बहुत सारी यादें जुड़ी है फिनियस एंड फर्ब से, तो वो सारी चीज़ें नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताओ। लाइक भी कर दो इस वीडियो को, शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ जो कि फिनियस एंड फर्ब के पूरे पूरे फैंस हैं, उन लोगों के साथ। और मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सभी लोग फ़ैन हैं जो कि कार्टून से इंजॉय करते थे, तो सभी लोगों के साथ शेयर कर देना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के लिए मूवीज़ इन को सब्सक्राइब भी कर लेना। तब तक के लिए देखते रहना मूवीज़ इन।